भींग नहीं रहे पानी में आप? भींग लो क्या इस बारिश में? काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही थी, गर्मी होने के बाद जो तेज़ बारिश हुई है ना, ज़बरदस्त बारिश हुई, बट बारिश सिर्फ 2-3 मिनट रही है, बट बारिश हो रही है, बंद नहीं हुआ, बट जो तेज़ बारिश होना शुरू हुआ था वो थोड़ा बंद हो गया। जब से लॉकडाउन हुआ नौकर जैसी हालत हो गई, झाड़ू भी मैं ही करता हूँ, पोछा भी मैं ही करता हूँ। बारिश ख़त्म, यूं हवा का झोंका आया, यूं हवा का झोंका आया और साथ में वो बारिश लाया, थोड़ी सी राहत मिली, वाह 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 वाह, थोड़ी सी राहत मिली, वर्षाएं उमस भर जाएगी। आंटी को महंगा देता है। तो फिर मुस्लिम लोग तुमसे नहीं खरीदेंगे? मुस्लिम लोग है ही नहीं अपने एरिया में कोई, तब भी रास्ते वास्ते में कोई मिल जाएगा? नहीं बदलो, हमको देने ही नहीं उन लोगों को। ऐसा तो नहीं किसी ने बोला हो तुमको कि नहीं लगाओगे तो आने नहीं देंगे? 25 रुपए किलो आलू लगाए ना, 15 के आधा किलो वो हो गए, 10 के आधा तो वो क्या बोलते करेले हो गए, 30 रुपए किलो आलू, 15 का आधा किलो, 25 का एक किलो, 25 का आधा किलो, 25 का किलो। ये गलत बात है यार, या देखो, नहीं आप तो 2.5 रुपए कम दो उनको। अभी हम लोग की कमाई बंद है, इनकी तो कमाई चालू है, तो ज्यादा कमाई हो रही है इनकी। नमस्कार, स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन, कैसे आप लोग? होपफुली बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, कैद होंगे घर पे, कैद नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ घर पे रहना सही है, सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि बाहर जाना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्या हो जाएगा कल, किस पल को किसने देखा? तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKS Vlogs में। तो काफ़ी दिन हो गया ब्लॉगिंग बंद था, ब्लॉगिंग बंद होने का कारण ये था कि कोई कारण नहीं था, घर में रहना, दिन भर सोना, फिर उठना और फिर जागना और फिर खाना पीना खा के फिर सो जाना। और थोड़ा आजकल मैं ब्लॉगिंग में कम ध्यान दे रहा था, अभी मैंने कुछ टिकटॉक में वीडियोस बनाए हैं, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ अच्छे वीडियो जिसमें अच्छे कमेंट्स आए हैं और अच्छे व्यूज़ आए हैं उस वीडियोस को मैं ऐड करूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तो आप मुझे बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपको टिकटॉक वाला वीडियो कैसा लगा और मुझे टिकटॉक वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। हाँ आप ये भी बता सकते हैं मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, अगर आप बोलोगे तो भी बनाऊंगा, नहीं बोलोगे तो भी नहीं तो भी बनाऊंगा, कि मैंने एक सोचा था कि मैं एक कुछ ब्लॉग बनाऊं चाइना के ऊपर, और चाइना के ऊपर ब्लॉग बनाने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि चाइना हमारे घर में कितना घुस चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ हम यूज कर रहे हैं। क्या किया है तुमने? थोड़ी ना यूज होगा ये क्या? हल्दी है, मसाला है। कौन सा मसाला है? सब्जी मसाला। क्या किया इसमें तुमने? गिराया मैंने। गिराया तो क्यों गिराया? ये गंदी बात है ना, डैडी को मार रही है ना, देखो सब दिख रहा है कैमरा में, पुलिस ले जाएगा, तुम डैडी को मार रही हो ना, पुलिस उठा के ले जाएगा तुमको। देखो ये डैडी को मार रही है और डैडी को बहुत मारती है और डैडी को मार मार के मार मार के मार मार के। ये झाड़ू लेके आओ। झाड़ू लेके आओ, झाड़ू लाओ। क्यों करती है तुम ऐसा? काम चोर है। अभी क्या है, थोड़ी बड़ी होगी तो हाथ वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ से उतारेगी और फिर ले जाएगी बेड पे, खोलेगी, कभी चीनी, कभी नमक, कभी मसाला, जो उसके हाथ लग गया, जो ढक्कन खुल गया। अब एक चीज़ बताऊँ, मुझे सब चीज़ें बहुत सहेज के रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरे यहाँ छोटी बिटिया है मेरी, क्योंकि काफ़ी बदमाशी करती है, और बदमाशी इन द सेंस आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसके हाथ में ये बैग है, ये मेरा GoPro एक्सेसरीज का बैग है, इस बैग को ये पकड़ लेती है यहाँ से और फिर इसको लेके घूमते रहती है, बोलती है कि भैया हम ऑफिस जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे एक्चुअली होना क्या है। अभी एक मैसेज आया था, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारा एक ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है, जब हम MBA करते थे तो एक ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो ग्रुप आज तक चलता आ रहा है, और इस ग्रुप को बनाने वाला बेसिकली मैं था, बट आज मैं एडमिन नहीं हूँ उस ग्रुप का, आप समझ सकते हैं क्या दुविधा है। तो इसमें एक आया था,
न्यूज चैनलों पर 40 दिन में 42 बार कोरोना की दवाई मिलने की खुशखबरी आ चुकी है। मैं तो खुश हो कर थक गया हूँ। तो स्थितियाँ ये है, न्यूज़ देखो ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या चल रहा है। बेसिकली वही मौत का आंकड़ा, वही बीमारी रुक है नहीं रहा। लॉकडाउन में पिछले 60 दिन 50 दिन से बैठे हुए क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। इधर शराबियों ने सरकार को धमकी दी है कि हमें ज़्यादा परेशान किया तो हम शराब पीना बंद कर देंगे, फिर संभाल लेना अपनी अर्थव्यवस्था। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में निकलना मना था, अब किसको दोष दिया जाए किसको नहीं। ज़्यादा बोलो तो लोग नाराज हो जाते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि ना बोलूँ। पता है मैं भी बहुत ज़्यादा थोड़ा भावनाओं में बहक जाता हूँ, भावनाओं में बहकना इन द सेंस लाइक ये वायरस चाइना से है, और चाइना एक इंडिया में एक रेशियो रहा है हरदम से कि चाइना को लोग थोड़ा उस तरह से देखते हैं कि नहीं चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, चाइना ये चाइना वो चाइना ऐसा चाइना वैसा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 50 दिन से बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, इवन फेसबुक में कभी कभी मैंने पोस्ट भी डाला है, क्योंकि फेसबुक पोस्ट से याद आया कि फेसबुक पोस्ट में ना मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है कि लोग दूसरे का पोस्ट शेयर करते हैं। अरे भाई दम है तो अपना पोस्ट लिखो ना, क्यों डरते हो, और जब डरते हो तो शेयर क्यों करते हो। तो कहाँ थे हम लोग, चाइना पे। चाइना पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि चाइना प्रोडक्ट को यूज़ अगर हम ना करें तो कैसा रहेगा। मैं आपको बताऊँ कि अगर चाइना प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे ना तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी। हमारे घर में 50% आइटम चाइना के हैं। आज जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। आप जो नल खोलते हो ना, क्योंकि मैं टाइल का काम करता हूँ, नल में जो स्प्लेंडर आता है ना, जो 40-50 रुपीज़ में आप मार्केट से लेते हो, वो इंडिया में नहीं बनता, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चाइना। आप जो घड़ी देखते हो ना, उसके भी पार्ट्स चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। आप जो टीवी देख रहे हो ना घर में, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट 40-50-60% चाइना के मिलेंगे। जैसे जापान की कंपनियाँ, जैसे सोनी ले लीजिए, जापान की कंपनियाँ, बट उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चाइना में है। यू आर गोइंग टू, आप सोचते हो कि नहीं भी हम जापानीज प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चाइना में। इवन आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइना। देर इज़ सो मेनी कंपनी विच बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। बट तो अगर चाइना का प्रोडक्ट हम यूज़, अगर ऐसा सोचते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। टाइल्स इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, और टाइल इंडस्ट्री में पहले क्या होता था, इन 2012-13 इंडिया में लगभग 60 से 100 कंपनियाँ थी, 70-80 कंपनियाँ थी, और जो बड़े यूनिट्स थे वो 8-10 बड़े यूनिट्स थे। तो बाहर से बहुत इम्पोर्ट होता था टाइल, चाइना से बहुत आता था टाइल, और जो यहाँ के डीलर्स थे ना वो काफ़ी पैसा भी बनाते थे चाइना, क्योंकि इंडिया से वो सस्ता पड़ता था थोड़ा सा। क्वालिटी नो डाउट इन्हेंस था, क्वालिटी अच्छी थी, जो चीज़ यहाँ नहीं बन पाता था वहाँ मिल जाता था, तो लोग वहाँ से इंपोर्ट करते थे, थोड़ा महंगा भी बेच लेते थे, और सारी चीज़ें चल रही थी। बट इंडिया में क्या हुआ, आज के डेट में करीब 1000 से 1500 फैक्ट्रियाँ हो गई, तो चाइना से ऑलमोस्ट आना बंद हो गया है। बट क्या हम सेम क्वालिटी चाइना जैसी हम दे पा रहे हैं क्या, इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज बढ़ी ना, तो ज़्यादा फैक्ट्रीज बढ़ने से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि क्वालिटी जो इन्हेंस होना चाहिए वो इन्हेंस नहीं हुआ, वो रेगुलर डाउन होता गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात कम प्राइस में देने के चक्कर में, ये भी होता है इंडिया में क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहिए, हम चाइना का प्रोडक्ट तब ही खरीदना छोड़ सकते हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि इंडिया में जैसे मोबाइल कंपनी, तो MI, ओप्पो, वीवो का लोग बहुत विरोध कर रहे हैं आजकल कि हम ये इस तरह का प्रोडक्ट अब नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, सैमसंग। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगी, सैमसंग भी देश का नहीं है, पैसा आपका देश के बाहर ही जाएगा। हाँ, आप सैमसंग लोगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करोगे, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा जाएगा। चाइना का प्रोडक्ट लोगे तो सेम अच्छी क्वालिटी आपको कम पैसे में मिल जाएगी, तो थोड़ा कम पैसा देश के बाहर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो जितने भी एक्सेसरीज यूज करता हूँ ना, ऑलमोस्ट 100% चाइनीज़ है। मैं आपको बताऊँ, ये बैग है, इस बैग में लगभग 45-51 एक्सेसरीज किट बैग बोलते हैं इसको,
तो इसमें 51 की टोटल चाइना का है। और इवन मैं आपको बता दूं, इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बनाती है। मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ सोनी का, वो जापान की कंपनी है, और उसके अंदर भी जो पार्ट्स है ना, मेड इन चाइना है। और मैं आपको बताऊँ, GoPro मैं यूज़ करता हूँ, GoPro भी बाहर की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ एक्शन कैमरा ये बोला जाता है। तो ये भी कुछ ना कुछ वैसा ही है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। टीवी यूज करते हैं, वीडियोकॉन इंडिया की कंपनी थी, आजकल बंद हो गई। इवन आप जब उसको खोल के देखिएगा ना, तो अंदर के सारे जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें चाइना की होंगी। रही बात, और मैं आपको बताऊं, जैसे आप कोई मोबाइल लेते हो लाइक माइक्रोमैक्स, लाइक लावा, लाइक रिलायंस जियो, तो अगर रिलायंस भी अपना मोबाइल लॉन्च करता है ना, तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालता है, वो क्या करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है, और फिर अपना लोगो लगाता है। इवन अब तो लोगो वहीं से, क्योंकि आप जब बल्क में ऑर्डर दोगे तो वो बना के देंगे आपको, इवन सारा बॉक्स पैकिंग है, वो सारी चीज़ें देंगे, तो वो सब भी चाइना से है। तो इस ब्लॉग में ये सारी चीज़ बताने का मतलब यही है कि जब तक हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हेंस नहीं कर सकते, आप इस तरह से किसी कंट्री को अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए हमें चाइना से, ले लो ना कोरोना वायरस को ही, COVID-19 को ही, उन्होंने तो सब कुछ खोल दिया, सारा चीज़ कर दिया, दे आर रेडी टू वर्क इन वर्ल्ड वाइड, बट वॉट बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर टोटली लॉकडाउन फ्रॉम लास्ट 50 डेज। दिस इज अ फैक्ट, अगर आप विरोध करते हो ना किसी का, तो सबसे पहले आप अपने सरकार का विरोध करो, आप अपने सरकार को बोलो, अपनी सरकार को जगाओ, अपने सिस्टम को जगाओ कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें। आज जो स्थितियाँ हैं देश में वो भयावह है। न्यूज़ में मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक, न्यूज़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ दिखाई नहीं जाती। हम न्यूज़ खोल के बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि हमें देश दुनिया सारी चीज़ों की नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। इसमें वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, मानिए इस बात को। तो पता नहीं क्या होने वाला है, मैं भोपाल में रहता हूँ जैसे कि आपको मालूम है, भोपाल में तो अभी बहुत ख़राब कंडीशंस हैं। आज मैं थोड़ा दूर गया था बाइक से कुछ सामान लेने के लिए, तो जो गली होती है ना, गली को पूरा लॉक कर दिया गया है, मतलब इवन बाइक नहीं जा सकता उस गली में, तो इस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 17 को नया कुछ लॉकडाउन आएगा या फिर क्या होगा, बिजनेस पूरा टफ है। कोशिश करते हैं कि सुबह कुछ मटेरियल डिस्पैच कर दे, बट विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कैसे आगे काम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट पहले बोलती थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज सारी चीज़ें जब देखने को मिलता है तो लगता है कि आज गवर्नमेंट जिस चीज़ को बोलती थी 250 केसेस थे तो लॉकडाउन कर दिया गया था, आज देश में 60,000 केसेस हैं, लॉकडाउन हटाने पे विचार किया जा रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है, वायरस का डर सबको है, हमको है, आपको है। मैं वही सोचता हूँ आज इस वायरस को लेकर के हमारे दिमाग में ये चलता है, हम थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं, हम अपना हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, रूम्स को सैनिटाइज करते हैं, सब्जी को सैनिटाइज करते हैं, एवरीथिंग, लाइक जो भी आप बाहर से कैरी करके लाते हो, आप यू आर जस्ट टेकिंग योर प्रिकॉशंस। व्हाई यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस, यू नो, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग फॉर 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, नथिंग। सो दिस इज अ थिंग फॉर होल लाइफ, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट वंस यू विल गो आउटसाइड टू डू सम वर्क। I will manage, yaar. I don't think so. Like the people will manage. Basically, which belongs from India and I belongs from India. You belongs from India. So it is quite difficult. Social distancing, जो एक बेईमानी है, आप मानो चाहे नहीं मानो, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बोल, करना तो पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। But India में population इतना है ना कि social distancing बेईमानी है। क्या होता है जब आप एक बड़े से घर में रहते हो ना, तो सारी चीज़ें हो जाती है, बट यहाँ पे नहीं होता। जब आप बड़े अहदे पे बैठे हो ना, बोलना बहुत आसान है। एक एक गरीब लोग हैं, मैं वैसे गरीब लोगों, मैं खुद आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी रिच पर्सन, बट मैं तो वैसे गरीब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो दिन भर काम करने के बाद शाम को खड़े हो जाते हैं पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो पैसा लेके जाएंगे ना तो वो सब्जी लेके जाएंगे, चावल लेके जाएंगे, दाल लेके जाएंगे। तो स्थितियाँ कुछ ऐसी है देश की। एक चीज़ और,
जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना तो गवर्नमेंट बोलती थी कि सैलरी नहीं काटना, सैलरी नहीं काटना, सैलरी, आज सैलरी वही काट रही है। कैसे देगा आदमी, काम नहीं चलेगा तो आदमी सैलरी कैसे देगा, रेंट कैसे देगा, कैसे चलेगा, सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। अब तो फिलहाल एक दो दिन से काफ़ी टेंशन चल रहा है दिमाग में, तो चीज़ें ऐसी चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगा, समझ में तो नहीं आ रहा है। बट हाँ, समझना क्या है, अब काम भी ऐसे करेंगे तो भैया आज 5 मिनट के लिए आदमी बाहर जाता है तो आदमी इतना प्रिकॉशन लेता है, जब आदमी दिन दिन में बाहर रहेगा तो कितने आदमियों से मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं चीज़ें कैसी होंगी आगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज मैंने आपको बोला था वीडियो के फर्स्ट में कि मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा आपसे, कुछ पर्सनल्स होगी, तो डेफिनेटली आज काफ़ी मैंने पर्सनल बातें की आपसे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं डेफिनेटली आज तो किसी से बोल नहीं सकता, अभी कहीं बाहर जाना नहीं होता, लोगों से मिलना नहीं होता, तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें बोल पाया आपको। थोड़ा मन को होता है ना कि भैया अगर दिल में दर्द हो तो बोल दिया करो, बोलने से ना थोड़ा हल्का हो जाता है, तो आज थोड़ा हल्का फील हो रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप बटन में क्लिक करते जाइएगा, और अगर नहीं पसंद आया, यस बेटा वन सेकेंड, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करते हुए जाइएगा, और अगर कुछ आपको बोलना हो इस ब्लॉग के बारे में, जो मेरे दिमाग में चल रहा है क्या वही आपके दिमाग में चल रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या होना है, क्या सोचना है। और जाते जाते मैं अपने कुछ टिकटॉक्स वीडियो जो आजकल मैं बना रहा हूँ, और मैं अपना टिकटॉक का लिंक आईडी भी आपको इस ब्लॉग के वीडियोस में डाल दूँगा, आप तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एक्टर, आई एम जस्ट लर्निंग द थिंग्स एंड एवरी न्यू डेज। सो दोस्तों, सो जाइए, गुड नाइट, जय हिंद। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, और हमको तुमसे हो गया है प्यार।